जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं और भगवान से प्रार्थना भी आप लोग स्वस्थ होंगे और तैयारी में पूरे तरीके से लगे हुए होंगे। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का अगला पार्ट्स, आपके असाइनमेंट का टाइप 6। इसके पहले मैंने आपको टाइप 5 बताया था, बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। टाइप 6 भी बहुत ही मज़ेदार है। बहुत सारे विद्यार्थी जब 16 वर्ष 17 वर्ष इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो वो चौंक जाते हैं कि सीआई में इतने वर्षों का कैसे बनेगा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। आप अंत तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही हर ट्रिक बताएंगे पिछले टाइप के जैसा। बस वीडियो को इग्नोर नहीं करना, अंत तक देखना, एक एक सेकेंड मज़ेदार है। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर आपका देखेंगे सॉल्यूशन, तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है, तो देखिए जरा। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास असाइनमेंट नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस को ज्वाइन करें और फ्री में सभी चैप्टर का बेस्ट असाइनमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ ये पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइप 6 का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन है। चूंकि एक विद्यार्थी स्तर पे सोच के मैंने बताया कि मुझे कहाँ कहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, उसके बाद मैंने हर टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड किया है असाइनमेंट पर हर चैप्टर में। तो जो विद्यार्थी और सब चैप्टर नहीं देखे, देखिए, संपूर्ण तैयारी करिए, क्योंकि आपका पेड कोर्स लेके भी इतना बेटर आपको नहीं मिल पाएगा। नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट है आपका रेशियो का, फिर आपका एवरेज का है, प्रॉफिट लॉस का है, परसेंटेज का है, एसआई का है, अब आगे है सीआई। उसी प्रकार से आगे सभी चैप्टर एग्जाम के पहले मैं पूरा प्रयास करूंगा करवाने का। तो आइए, बड़ा ही मजेदार है, पहले समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मैंने एक नोट लिखा है, इस नोट लिखने का मकसद क्या है, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो हो सकता है क्वेश्चन आपको दे दे कि कोई धनराशि 16 वर्ष में हो गया 15,000 और 17 वर्ष में हो गया 15,690, तो ब्याज की दर ज्ञात करें या मूलधन ज्ञात करें। इस प्रकार से बोलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में हो गया 8,000 और 5 वर्ष में 8,990 या कुछ भी हो गया, ऐसा दो को दिया हुआ है, तो बोले ब्याज की दर। तो आप तो वहीं पे चक्रा जाइए कि 5 वर्ष 6 वर्ष 16 वर्ष 17 वर्ष इतना कहाँ से हम लोग निकालेंगे। लेकिन इतना मजेदार और इतना कम समय में बनेगा आप सोच भी नहीं सकते। उसी पर आधारित इस नोट्स को पढ़ते हैं। कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज के किसी निश्चित दर से दो कर्मागत वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज से जो मिश्रधन बनता है उसको चक्रवृद्धि मिश्रधन कह सकते हैं, दिया रहे तो पहले मिश्रधन को अगले वर्ष के लिए मूलधन मान लेते हैं तथा एसआई के नियम से दर प्राप्त करते हैं। सोचिए, सीआई के मैंने कन्वर्ट कर दिया एसआई में। पहले ध्यान से इस नोट को जो लिखे है ना, बढ़िया से सीख लीजिए, फिर एग्जाम्पल को समझ लेंगे। क्लियर है ना? तो ध्यान दीजिए फिर से। कहता, चक्रवृद्धि ब्याज के किसी निश्चित दर से दो कर्मागत वर्षों, 5 वर्ष 6 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 16 वर्ष 17 वर्ष 18 वर्ष 19 वर्ष 21 वर्ष 22 वर्ष दो कर्मागत वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया रहे तो, और उसका दर पूछेगा या मूलधन भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आपको हर तरह के मिलेगा आपको। तो कह रहा है, फिर से मैं पढ़ता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज के किसी निश्चित दर से दो कर्मागत वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया रहे तो पहले मिश्रधन को अगले वर्ष के लिए मूलधन मान लेते हैं तथा एसआई के नियम से दर प्राप्त करते हैं। अभी हम तो कोई बड़ा गणितज्ञ है नहीं कि अपने से ये बना दिए, इसको अपने लैंग्वेज से लिखते भले हैं कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट अपने भाषा में आपके माइंड में फिट हो जाए, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ ये मैं डिफिनेशन में ही लिखा चुका हूँ पहला क्लास में ही। क्या पहले तो मैंने लिखा था चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, तो जब ब्याज का ब्याज मिले तो चक्रवृद्धि ब्याज, अथवा करके एगो डिफिनेशन लिखा है थे, आप नहीं देखे तो उस क्लास को देखिए, कि प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाए, तो इसी प्रक्रिया को तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और काहे बन रहा था मूलधन, क्योंकि मूलधन का तो ब्याज मिल ही रहा था, ब्याज का भी ब्याज मिल रहा था, तो काहे नहीं दोनों को जोड़ के ही ब्याज, उसी का पूरा ब्याज निकाल दे तो वो मूलधन का काम करेगा ना। तो प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन अगले वर्ष के लिए क्या बनता है, मूलधन। उसी ट्रिक को मैंने अपनाया, उस समय भी बताया था कि इस डिफिनेशन पर आधारित एक टाइप, वो टाइप यही है टाइप 6। फिर से इस नोट को पढ़ते हैं, सीखने में जितना समय देना पड़े एकदम स्थिर से दीजिए, क्योंकि उसके बाद तो आप तूफान के तरह सॉल्यूशन करोगे। चक्रवृद्धि ब्याज के किसी निश्चित दर से दो कर्मागत वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन, कर्मागत मतलब समझ ही गए, 2, 3, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ऐसा कर्मागत, दो कर्मागत वर्षों का मिश्रधन दिया रहे तो पहले मिश्रधन को अगले वर्ष के लिए मूलधन मान लेते हैं। और होता ही है, मानेंगे क्या, होता ही है, क्योंकि ब्याज का ब्याज जो होता है मान लेते हैं तथा एसआई के नियम से दर प्राप्त करते हैं। अब वो कैसे,
तो आइए ना एग्जाम्पल से। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल यहाँ पे प्रूफ करता हूँ। मान लीजिए बोले कि कोई धनराशि 3 वर्ष में हो गया 3690 और 4 वर्ष में हो गया 4540। तो समझ जाइए कि ई वाला जो पहला जो है ये अगले जो चौथा वर्ष, देखिए यहाँ से यहाँ एक वर्ष ना होगा, इसके लिए ये काम कर जाएगा मूलधन का। कौजी के काम करेगा मूलधन का। जब मूलधन का ही काम कर गया और ये बन जाएगा मिश्र धन, चूंकि है तो दोनों मिश्र धन है, लेकिन इसके लिए ये मूलधन बन गया मिश्र धन, तो ये जो बीच का अंतर होगा वो क्या होगा, ब्याज होगा। और एक वर्ष का होगा, कई वर्ष का होगा, चूंकि कर्मागत है तो अंतर एक वर्ष ना होगा। और एक वर्ष का एस आई एस आई तो सेम ही होता है ना, तो एक वर्ष का एस आई वाला नियम नहीं लगा देंगे, ब्याज ऊपर मूलधन नीचे परसेंट निकालना है 100 से। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? कैसे? ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही एक आधारभूत एग्जाम्पल बताया। अब आइए इस एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं, क्वेश्चंस को। पूछा गया क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, और उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे। कोई धनराशि सी आई की दर से 6 वर्षों में 2400 रुपया हो जाता है, जबकि 7 वर्षों में 2520 हो जाए, तो ब्याज की दर क्या है? बड़ा ही मजेदार है भाई, देख लो। 6 वर्ष में कितना हो गया है कोई धनराशि 2400, मतलब ये 6 वर्ष का मिश्रधन है, और 7 वर्ष में हो गया है 2520, कितना हो गया 2520। क्लियर? तो बड़ा ब्याज की दर क्या है, कितना आसान है, ये क्या बन गया, मूलधन बन गया, क्योंकि 6 वर्ष का है जो 7वां वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा और मिश्रधन बन गया। तो बोले सर आपको दिक्कत है, अब हम लोग को निकालना है, ये जो हुआ अंतर तो एक वर्ष का ना हुआ, तो एक वर्ष का एस आई चाहे सी आई दोनों तो सेम ही होता। यहाँ से यदि एक वर्ष का देखा जाए तो वो भी एक वर्ष के लिए तो एस आई का काम करेगा। तो बोलिए कि सर दिक्कत क्या है, दर बराबर जितना बढ़ा वो ब्याज हो गया, तो 2400 से 2520, 120 ऊपर और मूलधन 2400 नीचे परसेंट निकालना है 100 से। कितना आसान है, सोच भी नहीं सकते आप, और डर जाते हैं 7 वर्ष 8 वर्ष देखे। काटिए, काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2400 से 2120 हम लोग का आंसर हो गया 5%। इससे आसान क्या हो सकता है, आप ही बताइए। कितना आसान से समझ में आ गया, इतना कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लिए कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि दो कर्मागत वर्षों का मिश्रधन दिया रहे तो पहला को मूलधन मान लेंगे, अगला को मिश्रधन, तो निश्चित है अगला वर्ष के लिए वो मिश्रधन का काम करेगा, तो अंतर एक वर्ष का ना होगा, तो ये दोनों का जो अंतर होगा एक वर्ष का ब्याज होगा, एक वर्ष का एसआईसीआई दोनों सेम ही होता है, तो आराम से ब्याज ऊपर, एक वर्ष का है तो उसमें तो समय देने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो आराम से मूलधन नीचे परसेंट निकालना है 100 से काट के, आंसर आ गया 5%। क्लियर है? अब फटाफट आपके असाइनमेंट से देखेंगे वेस्ट सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार दोहराते चलना है, पहले इस वीडियो को समझ लेना है, पूरा अंत तक देख लेना है, उसके बाद फिर से अपने से दो तीन बना लेना है 2-3 बार, और कुछ ऑफर भी मिलेगा उसका भी कॉमेंट करना है। क्लियर? तो देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं आपके असाइनमेंट से टाइप 6 का पहला नंबर क्वेश्चन। चलो पहला से 10 क्वेश्चन है, बता देता हूं। एक टाइप 5 का क्वेश्चन मैं छोड़ा था, मुझे याद है, मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है ना? ध्यान दीजिए, आराम से देखिए, सीख जाइए, बस यही मेन मकसद होता है हमारा कि आपको मैं कुछ सिखा पाऊं, आपका अनमोल समय लेता हूं। कहा जा रहा है एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में, देखिए अब यहीं पे देख के बच्चा डर जाता है कि अरे बाप रे 15 वर्ष आ गया है चक्रवृद्धि ब्याज में। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 51,168 रुपया, जबकि वही धनराशि 16 वर्ष में हो गया 51,701 रुपया। तो बोल रहा है तो दर, यहाँ दी लिखा गया, दर प्रतिवर्ष क्या होगा, मतलब आपसे दर पूछ रहा है। कितना आसान है जो सोच नहीं सकते आप। देखिए 15 वर्ष हो गया 16 वर्ष, तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, 16वां वर्ष के लिए मूलधन का ना काम करेगा और ये मिश्रधन का काम करेगा, तो जो बीच में अंतर होगा वो ब्याज हो जाएगा, तो दर बराबर आराम से ब्याज ऊपर और जिसे मूलधन माने हैं नीचे, तो मूलधन तो इसी को ना माने हैं 51,168। अब कितना अंतर है तो घटा दीजिए, इधर से घटाएंगे इसको तो 11 में से 8 घटेगा 3, अब ये बच गया, ये कितना बच गया, तो बोले सर 9 बचेगा, क्योंकि इससे ही पैसा लेके इसको दिया होगा 9, 9 में से 6 घटेगा तो फिर 3 बचेगा, अब ये कितना बचेगा 6 में से 1 घटेगा तो 5 बचेगा, ये कितना बचेगा, तो बोले सर ये तो एक ही रहेगा, 1 में से 1 गया 0 और 5 में से ख़त्म, 533 हुआ। अब हम लोग को निकालना परसेंट के लिए, 100 से गुना, कितना बड़ा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, आराम से बनेगा। अब आराम से इसको हम लोग काटते हैं इसी वे में,
नहीं कुछ तो कम से कम चार से कट रहा है भाई, जो कट रहा है काट दो, 25 चौका 100, इसको भी अंतिम में दो अंक चार से कटेगा तो पूरा संख्या चार से कटेगा, विभाजकता का नियम जानते हो। तो चार से जब इसको हम काटेंगे तो चार इकाई चार होगा, एक बच गया तो 11 हो गया, तो 4 दुनिया 8, 3 बच गया तो 31 हो गया, तो 7 चौका 28, तो फिर तो 3 बच जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो 9 चौका 36 और 2 चौका 8। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कटेगा तो इसी से ही कटेगा, तो या तो हम लोग 3 3 8 5 13 ऐसे तो कट नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल में इसको आप काटोगे 533 दूनी 1066, फिर 3 चौका 12, यानी 24 बार में ये कट जाना चाहिए था, 24 बार में आप काटो कट जाएगा। बोले सर आपको याद था तब ना, ऐसे भी आप देख सकते हैं ऑप्शन में ज़्यादा बटा में सबके 24 से है, ठीक है ना, निश्चित है कटेगा तो पूरा नहीं है, तो 24 बार में कट जाएगा, आप काट सकते हो। तो मैंने काट दिया इसको, उसके बाद में 25/24 आ गया, यदि ये आंसर देता है तो ठीक है, नहीं तो आराम से भाग देंगे, 24 से 25 में 1 बार लगेगा, ऊपर 1 बचेगा, यानी 1.1/24% ब्याज की दर। आप सोचिए उठपटांग, भले ऑप्शन आंसर आया लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अच्छा था, आपको मेथड मालूम था, ट्रिक मालूम था, तो बनाने से कौन रोक पाएगा, आंसर कम मतलब कि दशमलव में दे, पूर्णांक में दे, भिन्न में दे, जैसे दे, आप आंसर जरूर लाइएगा, तो निश्चित आपको अच्छा लगा होगा, सीख पाएंगे। कुछ नहीं करना है, पहला मूलधन हो गया, कर्मागत वर्ष दिया हुआ रहेगा था, ऐसा नहीं कि 15 वर्ष यही दिल है 19 वर्ष, नहीं कर्मागत वर्ष 21 वर्ष का अंतर रहना चाहिए, तो ये मूलधन बनेगा, ये मिश्रधन बन जाएगा, ठीक है। आराम से फिर हम लोग लिख देंगे अंतर को ऊपर, जिसको मूलधन माने नीचे, परसेंट निकालना है 100 से, काट छाट के जो आ जाए भिन्न आ जाए पूर्णांक आएगा, आंसर होगा 1.1/24%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। एक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्ष में 210 होता है जबकि 2 वर्ष में 200, तो ब्याज की वार्षिक दर। तो बोले सर काम वाला पहले लिखे ना, 2 वर्ष में हो रहा है क्या 200, और 3 वर्ष में वही राशि हो रहा है कितना 210 हो रहा है, मतलब ये मिश्रधन, लेकिन ये तो अब मूलधन बन जाएगा ना, ये बन गया मूलधन और ये बन गया क्या मिश्रधन, तो दोनों का जो अंतर है 1 वर्ष का ये ब्याज बन गया, तो दर बराबर, कितना का अंतर है, बोले सर ये 200 है 210 है, तो 10 मूलधन का काम कर रहा है 200, तो नीचे परसेंट निकालना है 100 से, कितना आसान है, काट दो, काटेंगे इसको तो ये 200 से 200 कैंसिल, 2 5 10, यानी हम लोग का आंसर हो गया भाई 5%, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए देखते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन 3, मतलब कितना में नहीं समझ में आएगा, कैसा भी विद्यार्थी हो, पहली बार पढ़ रहे हो, लाइफ में कभी नहीं पढ़े, फिर भी इतना क्वेश्चन से एग्जाम्पल देते हैं 100% समझ में आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में फिर 3 वर्ष में, तो फिर तो वही वर्ष है, 2 वर्ष में हो गया है 1460, 3 वर्ष में हो गया है 1606, तो बोल रहा है कि ब्याज की दर, तो ये मूलधन बन जाएगा और ये मिश्रधन, तो दर बराबर, कितना बढ़ रहा है, तो बोले सर 6 में 0 गया 6, 10 में 6 घटेगा 4, ये बच जाएगा 5, 5 में 4 घटेगा 1, तो 146 का अंतर हो गया, ये तो बाकी कट ही जाएगा, और बटा यहाँ पे 1460, परसेंट निकालना है 100, काट दीजिए 140 से 46 कैंसिल, हम लोग का आंसर हो गया 10%, ब्याज की दर 10%, कितना आसान है, आप सोच भी नहीं सकते हैं इतना आसान है, सब तो आपके माइंड में रॉन्ग नंबर ठोक दिया था कि सीआई बहुत हार्ड है, लेकिन पूरा अंत तक देखिए ना, पूरा अंत खत्म होते होते सीआई कब खत्म होगा और कितना आसान से आपके माइंड में फिट हो जाएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो बस इतना के लिए आपको यही कहूँगा कि लगातार आप सभी दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट है ना हमें मोटिवेट रखता है, ताकि मैं लगातार आपको कंटेंट उपलब्ध कराता रहूं, और सबको शेयर करिए, जो भी आपके जानकारी में टच में आ जाए विद्यार्थी हैं उनको प्लीज़ बताइए कि बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट इस चैनल पे है, आप पढ़ के देखिए, उन्हें अच्छा जरूर लगेगा, बस इतना ही आपको करना है। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए 10% हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन एक अलग चीज इसी टाइप में समझिए, एक नया ऑफर आप सीख रहे हैं, हालांकि ये मैं टाइप 1 और 2 में सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आ गया तो चलो सीख ही लो भाई, इसे छोड़ूं क्यों। 5000 रुपया पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 है, तदनुसार ब्याज की दर प्रतिशत में क्या हुआ, हालांकि निकालना तो दर ही है, लेकिन बोल रहा है दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सीआई का अंतर, सीआई तथा एसआई का अंतर है, एसआई का अंतर दिया हुआ है,
कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 32 रुपया। कितना है? 32 रुपया। तो बोल रहा है कि ब्याज की दर क्या है, व्हाट, तो मैं आपको अभी बता दूं, बाकी इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा टाइप एक और टाइप एक के में, इसलिए तो मैं छोड़े हुआ हूं, बहुत मजेदार टाइप है। उसमें आपको बताऊंगा सीधा कि आर परसेंट की दर से 2 वर्ष का सी आई तथा एस आई का अंतर बराबर होता आर स्क्वायर बटा 100%। किसका आर स्क्वायर बटा 100%? मूलधन का, यानी हम यहाँ पे लिख सकते थे ऐसे, मूलधन का आर स्क्वायर बटा 100%। अब अभी आप इतने जानिए, बाकी क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ से होता है, कैसे इसको आसान बनाएंगे, वो सभी टाइप एक और टाइप एक के ए में बढ़िया से समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना ही जानिए कि आर परसेंट मतलब कोई दर है 5% 10% कितना भी है, तो 2 वर्ष का सी आई एस आई का अंतर होता है मूलधन का आर स्क्वायर बटा 6%। मूलधन का आर स्क्वायर बटा 6%। तो बोलिए कि सर जी यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है कितना, 5000। तो 5000 का आर स्क्वायर बटा 100% बराबर 3200। एक अलग सेक्शन ही बताएंगे आपको टाइप एक के ए में, कितना 3200 नहीं सिर्फ 32। मूलधन 5000 है, मूलधन का आर स्क्वायर बटा 100% एस आई सी आई का अंतर होता है 2 वर्ष का, 3 वर्ष का अलग होता है, सारे बताऊंगा। तो 5000 का आर स्क्वायर बटा 6% सिर्फ इतने लिखना था, मतलब पढ़िएगा तो इतने लिखे आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो आप सीख गए ही कि मूलधन का आर स्क्वायर बटा 100% 2 वर्ष के एस का अंतर होता है, और वो अंतर दिया हुआ 3200 तो बराबर 32 लेके चल दिए, आर निकालना है, काटिए। बोले सर काटना क्या है, परसेंट काट दिए ना तो ऊपर वाला 200 कट जाएगा, नीचे वाला नहीं ऊपर वाला। अब आराम से 50 से 50 दूनी 100 तिरछा गुना होगा, आर स्क्वायर बराबर 32 दूनी 64 हो गया, तो कन्फर्म है कि इसलिए R बराबर 8% हो जाएगा। कितना आसान से आ गया, क्या सेकंड टाइम लगेगा। यदि आपको मालूम रहेगा कि 2 वर्ष के SICI का अंतर R स्क्वायर बटा 100% होता है, तो आराम से मूलधन का R स्क्वायर बटा 100% बराबर 3264 जो दिया हुआ लेके चलेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे, काटेंगे, आंसर आ गया 8% हो गया। यहाँ पे 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक नया चीज़ भी सीख लिए, और फिर बाद में बहुत सारा क्वेश्चन इसका 8-10 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। पहला टाइप जो हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन वाला, उसमें जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे 8% आंसर हुआ, आप फिर भी दोहरा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइप का है, मतलब कि आप कह सकते हैं टाइप 3 में जो दर और समय ज्ञात करना मैंने आपको सिखाया है, टाइप 4 में वही है, समझ लीजिए दर और समय ज्ञात करना। बोले वो कैसे सर, क्योंकि मेरा हर एक टाइप में आपको पीछे वाला टाइप का एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ताकि आपको ध्यान रहे। तो उसे मैं 10% वार्षिक, तो यहाँ पे तो 10% दे दिया है ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्षों में, 24। तो बोले सर आप तो बहुत अच्छा से समय और दर बताए थे कि समय या दर निकालना हो तो मूलधन मिश्रधन का रेशियो लिख दो। मूलधन कितना है 2000, और मिश्रधन कितना है 24। अब काट दो 100 से 100, 2 से 100 बार में, 2 से 121 बार में, ये 10 के स्क्वायर हो गया, आई 11 के स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर के रूप में बैठ गया, तो समझ जाइए कि आंसर हो गया 2 वर्ष। यदि क्यूब के रूप में बैठ जाता तो 3 वर्ष, क्योंकि ऑलरेडी वार्षिक ही बोला है। यदि अर्धवार्षिक बोल देता तो भले 2 वर्ष आया है तो 1 वर्ष आंसर होता, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधी चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बोला है, तो यहाँ पे तो इसका दर का मतलब ही नहीं है। यदि इस ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो मतलब है, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा आप चकरा जाइएगा। तो इसलिए जो दर वाला नहीं देखे हैं टाइप 4 दर और समय वाला, 30+ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दिया है बहुत ही आसान से, उसको आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हो गया समय 2 वर्ष, ऑप्शन है 5 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 फिर से आ गया वही क्रमागत वर्षों वाला। कदा कोई धनराशि 3 वर्षों में 2400, 4 वर्षों में 2520, तो ब्याज की दर। बोले सर दिक्कत क्या है, 3 वर्ष 4 वर्ष, तो इसके लिए ये मूलधन का काम करेगा, यानी 2400 यहाँ पे हो जाएगा 2520। बोले सर ये बन गया मूलधन और ये बन गया मिश्रधन, चूंकि अंतर 1 वर्ष का है, तो अब यहाँ पे दर बराबर डायरेक्ट हो जाएगा, कितना बढ़ा 120, कितना से बढ़ा 2400 से, परसेंट निकालना है 100 से, काट दो भाई 200 से 200 ने 24 बचे 120, यानी कई परसेंट हो गया ब्याज की दर, 5%। कितना आसान से बन गया, ऑप्शन मिला है, ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चक्रवृद्धि ब्याज के किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 2420 और 3 वर्षों में
2662 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से, तो ब्याज की दर, तो बोले सर फिर तो वही बात है, दो कर्मागत वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, तो दो वर्ष में कितना हो गया भाई 2420, तीन वर्ष में कितना हो गया 2662। तो बोल रहा है सर ये अंतर तो एक ही वर्ष का ना है, कर्मागत वर्ष हो गया, तो फिर से ये मूलधन का काम करेगा, ये मिसधन, हालांकि बार बार कितना लिखते रहें, दर बराबर, तो ये जो ब्याज बढ़ेगा ऊपर तो घटाइए, दो में से जीरो घटेगा दो, छः में से दो घटेगा चार, और 26 में 24 घटेगा दो, 242, और नीचे 24 बीच, परसेंट निकालना है 100 से, काट दो, एक शून्य से एक शून्य, 242 से 242 कैंसिल, बच गया कितना 10%। ये सभी क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये सभी क्वेश्चन VBI है, किसी ना किसी बुक में मिल जाएगा, आप 10-15 बुक को आप उठा के देख लीजिए महत्व वाला को, तो किसी ना किसी बुक में मिल ही जाएगा। इसलिए बुक जो जो इंटरेस्टेड विद्यार्थी हो, प्लीज हमारे असाइनमेंट को ही 4-5 बार बना लो ना, आपको बुक में प्रॉब्लम ही नहीं होगा कहीं पर से। मैं बार बार कहता हूँ कि 50 बुक बनाने से अच्छा है एक बुक को 50 बार बना दिया जाए, तो आप 50 बुक बनाने वाले से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, क्लियर है। इसलिए बार बार असाइनमेंट को दोहराते रहना है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया कितना 10%, ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आपके लिए ऑफर धमाका है, हालांकि सेम क्वेश्चन मैं बताया हूं, फिर भी आपको मैं यही ऑफर दिया हूं, आंसर आप जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, और चार वर्षों में दिया हुआ है, फिर 5 वर्षों में दिया हुआ है, तो इसका भी आंसर आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आप कमेंट करिएगा। देखिए दशमलव में भी आंसर आ सकता है, तो डरना नहीं है, मेथड वही है। तो इसका भी पहले वाला को मूलधन मान लेना है, बाद वाला को मिसधन, अंतर ऊपर, मूलधन नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। समझे कि बता ही दिया हूँ भाई, सिर्फ काटना है आपको, आंसर काट के जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं ही बता देता हूँ, हालांकि आप भी बना सकते हैं। कहता है किसी धन पर दो क्रमिक वर्षों, अब देखिए यहाँ पे वर्ष नहीं दिया, लेकिन ये लिख दिया कि दो क्रमिक वर्षों, अब वो आप 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन दो क्रमिक वर्षों लिख दिया है, तो ये 225 रुपया हो जाता है, और ये हो जाता है कितना 238 रुपया 50 पैसा। तो बोलिए सर अगला, चूंकि ये ब्याज ही बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से, तो क्या दिक्कत है, ब्याज का भी ब्याज जुड़ता है ना, तो निश्चित है, मान लिया जाए इसको हम 2 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष कुछ भी मानते हैं, तो इसमें से जो बढ़ा हुआ एक वर्ष का ना होगा, क्रमिक वर्ष बोला है, तो 1 वर्ष का ब्याज बढ़ा होगा, तो कितना बढ़ा होगा, तो बोले सर 38 में से यदि हम 25 घटाए ना, तो 13, तो 13.50 आया होगा, तो दिक्कत क्या है, दर बराबर 13.50 ऊपर नीचे 225% निकालना है 100 से, कितना आसान है, देख लो आराम से इसको हम लोग काट सकते हैं। चलो 25 से ही काट दो ना, 25 से काटेंगे तो 25 से 4 बार में, 25 से 9 बार में, और 9 से यदि हम इसको काटेंगे तो 15 * 135 होता है, और जहाँ पे दशमलव है वहाँ रहने देते हैं। अब इसको गुना करेंगे ना, तो 15 * 4 = 60 होता है, ठीक है, तो 600 होगा, 150 है तो 600 होगा, और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी फाइनली यदि सोचा जाए तो 6% है, कितना परसेंट है 6%। तो दशमलव से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 6% आप ऑप्शन मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आप देख लेते हैं हम लोग टाइप जो 5 का मैंने आपके लिए छोड़ा था एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 4 था। एक्चुअल में टाइप 5 में क्या था, समान समय अंतराल दिया रहे और दो मिसधन दिया रहे, तो मूलधन A1 का स्क्वायर बटा A2, लेकिन ये 4 में कर्मागत समय था, जैसे देखिए बड़ा ही मजेदार, और थोड़ा धनराशि ज्ञात करना था, और मजेदार VBI भी है, 3, 4, 5 बार जितना बार संभव हो बना लेना है, मैंने आपको बताया था कि जरूर बताएंगे। तो क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज के किसी समान दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में हो रहा है भाई 2916, 2 वर्ष में 2916, और 3 वर्ष में वही धनराशि हुआ है 3149.28 रुपया। तो बोलिए सर 1 वर्ष हो गया तो कर्मागत ना हो गया, तो मूलधन पूछ रहा है, तो पहले दर निकालना पड़ेगा यहाँ पर, जबकि 2 वर्ष आई भी 2 वर्ष अलग मतलब रहता, मतलब 4 वर्ष रहता, 2-2 वर्ष का ही अंतर रहता, तो आराम से पहला का स्क्वायर बटा दूसरा करते मूलधन आ जाता। जैसा कि आप टाइप 5 देखे होंगे, बड़ा मजेदार है, जो नहीं देखे देखिए। तो बोलिए सर पहले दर निकालते हैं, तो दर बराबर, तो हम सभी जानते हैं कि जब समान जो कर्मागत वर्ष हो तो पहला वाला को मूलधन, बाद वाला को मिसधन मानते हैं, तो 1 वर्ष का ब्याज तो साधारण ब्याज होता, तो आराम से देख लीजिए कितना बढ़ रहा है, तो 0.28 तो ऐसे ही हो गया, अब यहाँ से घटेगा, 9 में से 6 जाएगा 3, 4 में से 1 गया 3, और 31 में से 29 2, और नीचे में 29 16 गुना 100, अब आराम से काटेंगे इसको,
अस्थिर से, डरना नहीं, हड़बड़ाना नहीं है कि दशमलव आ गया तो यहाँ से दो शून्य कट गया। हालांकि छोटा चार चार कट के भी काट सकते हैं, चलिए मैं एक ही बार काट देता हूँ, ये आठ बार में कट जाएगा 8%। हालांकि चार से इसको काट लीजिए, फिर चार से फिर आप काटिएगा तो आराम से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आ गया 8%। यदि दर पूछा होता तो आंसर हो गया, चूंकि अभी आप एग्जाम्पल भी देखे, 10 क्वेश्चन देखे, ये 11वां शामिल हो गया, तो दर तो आपने निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, वह धनराशि क्या है? तो धनराशि के लिए किसी एक मिश्रण का प्रयोग करना पड़ेगा और टाइप एक के नियम से बनाएंगे। टाइप एक में इसी सब जितना भी मतलब अनसन वाला कैलकुलेशन सब टाइप एक में एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, तो उसी मेथड से बनाएंगे। वो मेथड क्या है कि दो वर्ष का यहाँ पर दर तो हो गया कितना 8%, और दो वर्ष का मिश्रण ही लेके चलिए, तीन वर्ष का और बड़ा हो जाएगा, इसलिए दो वर्ष का आराम से 29-16 लेके चल दिए। हम सभी जानते हैं रेशियो का नियम, मिश्रण की तुलना मिश्रण से मूलधन निकालना है 100 से, तो ये मिश्रण होगा कितना, तो मिश्रण होता है 100+ ब्याज, और दो वर्ष का जो CI होता है, दो वर्ष का CI जो होता है वो होता है 2R+R² / 100। कैसे होता है, क्यों होता है, ये देखेंगे टाइप एक में। तो 2R तो 8 है, 8 × 2 = 16 + R² 16 × 64 / 100 करेंगे तो 0.64 होएगा, यानी 8% वार्षिक दर से दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 16.64 होता है। कैसे होता है ना, ये आप जैसी सोचिए कि आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। इस तरीके से मैं आपको टाइप एक दो पढ़ाने वाला हूँ, जैसे 8% दो वर्ष आएगा तो आपके माइंड में आ जाएगा 16.64% CI की बात करूँ, तो आराम से आ जाइए। ये 29-16 जो है दो वर्ष का ये मिश्रधन है, भले यहाँ पर के लिए ही मूलधन बना है अगले वर्ष के लिए, लेकिन ये मिश्रधन है, तो इसकी तुलना मिश्रधन से, तो 100 तो 100 अपने आप तो मूलधन ही है, 16.64 भी आ जाएगा तो 116.64 मूलधन निकालना है 100 से। काटो, ये पॉइंट काटेंगे तो ऊपर एगो और 100 गुना होगा, ऐसा नहीं कि पॉइंट के बदले ऊपर वाला 100 काट दो, गलत बात है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। नीचे पॉइंट काटेंगे ऊपर 100 से गुना, 29 × 116 = 16 × 64, यानी 4 से ही आराम से कट रहा है, 4 से एगो 100 काट दो 25 बार में, 25/20, यानी आंसर कितना आसान था, कितना सरल आंसर है, आंसर आया 2500। यदि ब्याज की दर पूछता तो 8%, टाइप 6 के नियम से आप बना चुके हैं, टाइप 1 वाला मेथड लगा है, और यहाँ पे हम लोगों ने निकाल दिया मूलधन, कुछ नहीं किए हैं, बस मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से मूलधन निकालना है 100 से, बस यही किए हैं। और थोड़ा सा ये जो दशमलव आया ना, इसलिए लोग हल्ला कर देते हैं कि सीआई हार्ड है, जबकि बहुत आसान है। तो आपने देख लिया, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से हम आपको अंजाम नहीं रहने देंगे, बस ये इतना आप ध्यान रखिएगा। वीडियो कैसा लगा और हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है तो बस यही कहेंगे कि आप लाइक जरूर करिए और प्यारा सा कमेंट करिए और लगातार दोस्तों को शेयर करते रहिए। जितने भी सोशल मीडिया से आपसे जुड़े हुए हैं सबके पास जरूर से जरूर इस लिंक को पहुंचाइए, क्योंकि ज़रूरतमंद विद्यार्थी को इतना बढ़िया सटीक जो कंटेंट होता है वो उपलब्ध नहीं हो पाता, नहीं मिल पाता। तो प्लीज़ अभी कम विद्यार्थी हमें जान रहे हैं, इसलिए सभी तक फैलाना आप ही का काम है, तो ज़रूर शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, और अगला क्लास का इंतजार करिए, उसमें बताएंगे किस्त वाला क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार ऑप्शन से बनाना सिखाएंगे। जो आज तक आप डरते आए ना CI में किस्त वाला, वो क्वेश्चन आपसे डरने लगेगा। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।